क्या हाल है पानी में आग लगाने वालों। तो आज हम लोग जाने वाले हैं कतई जहर जगह। आज जो व्लॉग होने वाला है वो बड़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाली है। आज हम करेंगे फूड व्लॉग और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ और क्या टेस्ट कराने वाला हूँ। आज हम टेस्ट करेंगे कोरमा, बिरयानी और क्या था भाई? अबे वो देखो पीछे नाजिम भाई धो रहे हैं। हम जाने वाले हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के करीम होटल पे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर हम जाएंगे और आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने यार इससे कहा नाजिम को मेट्रो से चल लेते हैं क्योंकि जामा मस्जिद यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 20 से शायद 30 किलोमीटर दूर है। ये कह रहा है बाइक से चलेंगे। देखो बाइक, ये बाइक अब इससे जाएंगे भाई, बाइक से पिछवाड़े का पिछवाड़े का गुड़गावा बनेगा और क्या होगा। वैसे मेट्रो से क्यों नहीं चल रहा भाई? यार मेट्रो से जाते, मेट्रो कोई सीट नहीं देता है। ये घंटों खड़े रहोगे भाई, किसी को दया नहीं आएगी, तुम्हें भी दर्द होता है। ये कह रहा है इसको है ना कोई सीट नहीं देता मेट्रो में, इतने जवान जवान लौंडे बैठे। जवान की छोड़ो, मतलब फालतू में आके बैठ जाएंगे और कहीं कहीं गलती से लड़की दिख गई तो भाई झट ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे मतलब कुछ हुआ ही ना। बड़ा बुरा हाल है भाई दिल्ली की। मतलब तेरे को सीट देना चाहिए। मैं भाई बाइक पे गया, 2 घंटे आराम से बैठ के आया, कोई टेंशन नहीं है। तो बाइक पे चलने के लिए कह रहे हैं तो हम लोग जाएंगे बाइक से यहाँ से। हालांकि तुम लोग कोशिश करना यार कि मतलब मेट्रो से जाना जामा मस्जिद के पास। जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से था से, हाँ गेट नंबर 1 से आपको जाना है और वहाँ से आगे जाके आपको मिल जाएगा करीम होटल। तो चलो फिर मैं आपको करीम होटल लेके चलता हूँ और टेस्ट कराता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना यार। चलो चलो चलो, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं सैम दिल्ली से। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं करीम होटल पे और यहाँ करेंगे लंच। ये मेरे पीछे देख रहे हो एक दोस्त भी मिल गए। ये पीछे दिख रही है छोटी सी गली, इसी के अंदर है, ये मेन मार्केट है जामा मस्जिद। ये देखो काफ़ी बड़ी बड़ी होटलें मिलेंगे तुम्हें। और अब हम चलेंगे अंदर की तरफ, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं करीम होटल। ये देखो मेरे पीछे गली, तो छोटू ये भाई हमारे मसरूल हक, मसरूल हक है ना सर। तो ये जो नए लोग होते हैं उनको गाड़ी वाली कई बार ले आते हैं तो उनको मदद करते हैं ताकि आराम से अंदर लंच करके जा सके। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। फाइनली हम लोग एंटर कर गए करीम होटल के अंदर। ये देखो पूरा लोकेशन, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये सालन, सालन का प्लेस है। यहाँ पर मोस्टली जितने भी डिशेज हैं वो आपको मिल जाएगी और यहाँ पे कई सारे रूम्स हैं। ये देखो यहाँ पे आपको कबाब मिल जाएगा, यहाँ पे कबाब वगैरह मिल जाएगा। बैठने की 4-5 जगह हैं यहाँ पर। एक तो आपको ये मिल जाएगी बैठने की जगह, दूसरी वाली वो देखिए वो है दूसरी जगह। फिर मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, ये तीसरा प्लेस मेरे पीछे, यहाँ पर तीसरा, और ये मेरे पीछे चौथा प्लेस। ये तो ये 4-5 जगह हैं जहाँ पर आप आराम से बैठकर खा सकते हैं अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा सुना था मैंने इनके बारे में तो काफ़ी बढ़िया डिश बनाया इन्होंने और जितनी भी चीज़ें मैंने खाई, जितना भी लंच किया, बहुत ज़बरदस्त। तो फाइनली मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैं खाऊँगा और क्या क्या डिशेज मिलती हैं यहाँ पर। तो चलो फिर बैठते हैं अंदर और करते हैं लंच। ठीक है, क्या क्या डिशेज मिल जाती है अंकल यहाँ पर? सालन क्या क्या है? कोरमा है, स्टू है, कीमा है, पसंदा है, भेजा है, चिकन करी है। तो देख लिया आपने कितने सारे डिशेज हैं यहाँ पर और सारे एक से एक जबरदस्त वैरायटी के। अंकल जी नाम क्या आपका? एनुल हक नाम है अंकल जी का। और ये पीछे हमारे बहुत सारे भाई जान, इन्हीं की मेहनत की वजह से ही करीम होटल इतनी आगे आज पहुँचा हुआ है। काफ़ी बढ़िया, एकदम जहर। तो चलो फिर चलते हैं फिर डिश खाने। तो फाइनली हम लोग बैठे हुए हैं करीम होटल के अंदर और बहुत नाम सुना है यार इसका, तो सोचा चलो खा के आते हैं कुछ। वैसे भी नॉनवेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो आज पहलते हैं कुछ। ये मेरे पास देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फिलहाल बिरयानी खाएगा तू? चार पांच चीज़ें खानी है। कौन कौन सी 4-5 चीज़ें खानी है? देख लो इसमें अच्छा। दिख रहे हैं बिरयानी है, कबाब है, टोमेटो सूप, बिरयानी, कबाब, चिकन टिक्का, पनीर। देख ले यार क्या क्या खाएगा। 4-5 चीज़ें भाई खाने वाले हैं भाई और पूरा फूड व्लॉग बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक चीज़ का टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, मज़ा आने वाला है। तो रजाक भाई यहाँ की बताएंगे कुछ चीज़ें। सर बताएं स्पेशलिटी क्या क्या है यहाँ पर? सर ड्राई में चिकन बर्रा हो गया, मटन बर्रा हो गया, शिक्का हो गया, मटन में कोरमा स्टू हो गया। अच्छा, मटन बर्रा, चिकन बर्रा और
शीख कबाब। तो भाई मंगवा लिया हमने चिकन बिरयानी और क्या मंगवाया भाई? मटन बर्रा। मटन बर्रा चिकन बर्रा? अच्छा मटन बर्रा, मटन बर्रा मंगवाया है, चिकन बिरयानी मंगवाई है और एक और चीज़ मंगवाई थी सिख कबाब। सिख कबाब, सिख कबाब भी मंगवा लिया भाई। तो खाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो भाई ऑर्डर दे दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में आता है। तो अभी हमें क्या क्या ला के दिया देखो, अभी हमारे पास जो स्पेशलिटी है ये देखो, प्याज है, प्याज दिया हुआ है और नींबू दिया है। बाकी प्लेट हम बैठे हुए हैं, जब तक नहीं आता तब तक आपके साथ बातें करते हैं। यार देखो, बहुत सुना था करीम होटल के बारे में और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो भी ज़बरदस्त वाला, जहर खाता हूँ भाई, दो टाइम तीन टाइम जितना हो सके उतना खाता हूँ। तो आया हुआ हूँ नाजिम भाई के साथ और भाई दोनों को ही मज़ा आ रहा है। ये पहला व्लॉग है जिसमें तेरे को मज़ा आ रहा है सच में यार। शुक्रिया भाई यार। कितनी देर में आ जाएगा भाई? 10 मिनट में। चल ठीक, पहला व्लॉग है जिसमें नाजिम भाई को भी मज़ा आ रहा है, वरना इसको मज़ा नहीं आता व्लॉगिंग वगैरह में। मुझे बहुत मज़ा आता है, भाई को इसमें मज़ा आ रहा है। वैसे यार चीज़ें वही करनी चाहिए जिसमें मज़ा है, वरना नहीं करनी चाहिए। तो चलो वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे। तो भाई ये आ गया मटन बुर्रा, ये देखो भाई देखने में, और जो इसकी खुशबू आ रही है ना भाई, कती जहर खुशबू है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसको खा के बताने वाला हूँ और अभी बिरयानी भी आने वाली है। तो मटन बुर्रा आ चुका है, बिरयानी भी आने वाली है और क्या मंगवाया था हमने? सिख कबाब। सब आने वाला है, सब खा के बताए, जब तक ये टेस्ट करके बताते हैं। भाई मैंने टेस्ट कर लिया, मैं आपको बता सकता हूँ ये बिल्कुल हमारे ब्लॉग की तरह कत्ती जहर है। सही में भाई बिरयानी भी आ गई, ये देखो बिरयानी भी आ गई। ये बिरयानी, ये तो एग, ये हमारे लिए, ये हमारा नहीं हो, बिरयानी मंगवाई था ना, ये चिकन बिरयानी आपने मंगाया ना? हाँ चिकन बिरयानी है। चिकन बिरयानी में अंडे आते हैं? अच्छा अंडे आते हैं क्या? यार मैं तो शौक हो गया था, मैंने चिकन बिरयानी बनाई, एग बिरयानी कहाँ से आ गई? पहले तूने खा लिया क्या? सही लग रहा है, कटी जाए ये भाई। अब हम खाने वाले हैं इसको, अरे आह गर्म बहुत है भाई। ये इनका क्या था, चिकन बुर्रा था, मटन बुर्रा? मटन बुर्रा। और रियली यार स्पेशलिटी है, मज़ा आ रहा है, मसाला भी बहन से यार। चटनी के साथ तो खाया नहीं, चटनी के साथ लेता हूँ। ला यार यहाँ रख चटनी। तो मैं और भी चीज़ दिखाने वाला हूँ, एकदम बढ़िया पका हुआ है और चबाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो मटन बुर्रा टेस्ट कर लिया, तो यार मटन बुर्रा तो खाने लायक है, ज़बरदस्त। भाई जैसा सुना था वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है ना? बिल्कुल। अब मैं तो भाई नॉन वेज का दीवाना हूँ, फाड़क रखूँगा फाड़क। तो भाई देख लो, कबाब भी मंगवा लिया हमने, कबाब बिरयानी, और खाना शुरू करते हैं अब भाई। बिरयानी, बिरयानी खाई क्या? बिरयानी में एक पीस मिला बड़ा वाला, ये देखो हाफ प्लेट बिरयानी और उसमें एक बड़ा सा पीस, देख रहे हो? वैसे मेरा इससे कुछ नहीं होने वाला। बिरयानी की खास बात ये है कि इसमें आपको एक अंडा भी मिलेगा। हाँ अंडा भी है साथ में, इसमें पूरा एक पीस अंडा मिलेगा। चलो फिर खाते हैं और बताते हैं फिर बिरयानी। बुर्रे का तो टेस्ट बता दिया कैसा है, अब बिरयानी का टेस्ट बताते हैं कैसा है। कोरमा और साथ में हमने मंगाई है रोटी, रोटी है तंदूरी रोटी। तो भी बताते हैं कि कितना सॉफ्ट है, किस हिसाब से और खाने में कैसा लग रहा है, ठीक है? तो इसको भी अब टेस्ट करते हैं। मस्त है कबाब, टेस्ट कर लिया भाई इसने, देख अकेले अकेले खा लिया, मैं तुम्हें बताने में लगा और ये खाने में लगा। कबाब खा रहे भाई अब, कतिर जहर। तो अभी तक हमने मटन बुर्रा खा लिया, बिरयानी खा ली और क्या खाया था यार? खा लिया कबाब खा रहे हैं, लास्ट रह गया कोरमा रोटी, तो उसको खाते हैं। अभी तक ये तीनों चीज़ तो बड़ी जहर लगी भाई, अब बची चौथी, चौथी खाते हैं, आने का मज़ा आ गया। तो फाइनली हम करीम होटल के सबसे मेन ऑफिस में पहुंच चुके हैं
अभी हमने लंच वगैरह सब कुछ कर लिया, फाइनली हम आपको डायरेक्टर सर से मिलाने वाले हैं जो करीम होटल के डायरेक्टर्स हैं। तो आइए कुछ इंटरव्यूज लेते हैं उनका। ये तो सर बता सकते कब से होटल है ये सर? 1913 से ये है। 1913 से और अभी 2018 चल रहा है, कितना हो गया? 104 साल हो गए। काफ़ी नामी ग्रामी होटल है और काफ़ी टाइम भी लिया इन्होंने, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और बताइए कुछ खासियत बताइए। खाने खासियत ये है कि आपको खाने पसंद आए, ये खासियत। हाँ एक बात तो सर ने बहुत बढ़िया कहा है कि खाने लाजवाब है। मैं भी पहली बार ही आया हूँ आज, बट खाना बहुत ज़बरदस्त है और कति जहर है। और कुछ सर? वैसे अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमने हम करीम होटल के डायरेक्टर से भी मिले और उनका इंटरव्यू लिया। कमाल की बात यह यार, 104 साल पुराना, रियली लाजवाब है। हाँ 104 साल पुराना है और काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनका स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही कायदे से, बहुत ही रेस्पेक्ट से, बहुत ही इज्जत से आपकी हेल्प करेंगे, आपको सर्विस देंगे और बिल्कुल इज्जत से पूछेंगे। तो बहुत मज़ा आया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आपको कैसा लगा यहाँ से? बहुत अच्छा एटमोसफियर है यहाँ का, बहुत बढ़िया है। अली तेरे ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद, आई एम सिटीजन। अच्छा तो बढ़िया लगा इनको भी, आपको इनका भी रिव्यूज बढ़ा दिया है, दिखा दिया मैंने आपको, तो बहुत बढ़िया। क्या नाम बताया आपने सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम नाम है इनका। चलिए फिर शुक्रिया आपसे मिलकर, अच्छा लगा भाई। फाइनली करीम होटल से बाहर खाना खा के, पीछे का आप लोकेशन देख सकते हैं, ज़बरदस्त। तो मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना जी भाई? मुझे तो बहुत 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 मज़ा आया। और ब्लॉग में भी मज़ा आ रहा है? मतलब चिकन ये मुझसे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आज मैं खा गया। सही में बहुत मज़ा आया। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते हैं। और किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो तो यार बता देना वीडियो, यार तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान दे देगा। ओके तो चलो फिर करें ख़त्म। वैसे मज़ा आ गया यार, पेट भर गया पूरा। करें फिर, चलो फिर फाइनल करते हैं। दिल्ली से हूँ।